स्टार्ट हो गया क्या यार? तुम बताते नहीं हो, लेक्चर स्टार्ट हो जा रहा है, ऐसा कौन करता है यार? तो ठीक है, ये तो सिर्फ से कॉमिक की बातें हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कॉकरोच। तो आज हम ये देखेंगे, तो जब आप कॉकरोच के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में पहले क्या आता है? एक छोटा सा कीड़ा या फिर एक क्रीपी सा एक छोटा सा एनिमल? तो आज हम जानेंगे कि छोटे से जो कॉकरोच में उसके सारे काम जानेंगे कि उसके बॉडी के अंदर क्या क्या काम होते हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन, डाइजेशन और कुछ भी रेस्पिरेशन जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं वो उनके बॉडी के भी अंदर होते हैं। तो आज हम इसी सब के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। चल 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 चल। आज हम कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉकरोच के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, उनके कुछ करेक्टर्स होते हैं, उनके मॉर्फोलॉजी और उनके एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक नोट्स बना के लाया हूँ, ये चाहे तो आप सेव कर लीजिए, नहीं तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये दे दूँगा इसका ये नोट्स को पढ़ते ही आपका एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन क्लियर हो जाएगा, आपको कुछ और अलग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहीं से आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जो कॉकरोच है उसके जो एडल्ट सन होते हैं उनको हम एक नया नाम देते हैं जो है कि पेरी प्लानेटा अमेरिकाना। जो एडल्ट वंस ऑफ कॉकरोच होते हैं उनको हम नया नाम देते हैं पेरी प्लानेटा अमेरिकाना, जिसका साइज होता है 34-53 mm लॉन्ग। और इसके जो विंग्स होते हैं, हमको पता है कॉकरोच के विंग्स होते हैं वो उड़ भी पाते हैं, तो इनके जो विंग्स होते हैं वो एब्डोमेन के नीचे तक चले जाते हैं। एब्डोमेन क्या होता है ये हम बात करेंगे जो हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे कॉकरोच के बारे में। तो अभी हम जान लेते हैं कि एक नॉर्मल कॉकरोच, एडल्ट वन नहीं, जो एक नॉर्मल कॉकरोच होता है जो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, उसके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। तो जो कॉकरोच होता है उसका जो क्लास होता है वो इंसेक्टा होता है। क्लास क्या होता है ये हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आप जान लीजिए कि कॉकरोच का क्लास इंसेक्टा होता है। उसका फाइलम जो होता है आर्थ्रोपोडा, ये इसके बारे में हम लोग एनिमल किंगडम जो कि नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है वहाँ पढ़ेंगे। कॉकरोच का जो साइज़ है वो 1.1x4 to 3 inches के बीच में रेंज करता है। अगर उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 0.6 cm to 7.6 cm। जो कॉकरोच का जो टाइप होता है, मतलब उसको हम नक्चरनल एनिमल बोलते हैं। नक्चरनल एनिमल क्या होता है जो नाइट में एक्टिव होता है। हम देखते हैं कि जब नाइट हो जाता है, लाइट बंद हो जाता है, तभी कॉकरोच बाहर निकलते हैं, तो इसीलिए उसको नक्चरनल एनिमल कहते हैं। और उसका जो कलर रेंज करता है वो करता है ब्राउन, ब्लैक, येलो, रेड, ग्रीन। हम लोगों ने बेसिकली ब्राउन और ब्लैक देखे होंगे, क्योंकि ये जो तीन कलर है येलो, रेड, ग्रीन, ये बेसिकली ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं, हमारे घरों में बेसिकली नहीं पाए जाते। तो अभी इनके कुछ और जान लेते हैं, उनके बॉडी के बारे में जान लेते हैं। जो कॉकरोच का बॉडी है वो हार्ड काइटेनियस एक्सोस्केलेटन से बना होता है, कवर्ड होता है, जो कि ब्राउन इन कलर होता है। काइटिन क्या होता है, मतलब काइटिन एक होमोपॉलीसेकेराइड होता है, उसके बारे में हम बायोमोलिक्यूल्स में अच्छे से जानेंगे। तो ये ब्राउन इन कलर होता है। और ये जो एक्सोस्केलेटन होता है उसमें स्क्लेराइट्स होते हैं। स्क्लेराइट्स क्या होते हैं, प्लेट्स। तो इसके तीन क्लासिफिकेशन है, डॉर्सल इसको टर्गाइड बोलते हैं, वेंट्रल इसको स्टर्नाइड बोलते हैं, लेटरल इसको प्लूराइट्स बोलते हैं। ये क्या क्या होते हैं, डॉर्सल, वेंट्रल, लेटरल। जब भी आप कॉकरोच को देखते हैं, मैं आपको एक डायग्राम दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, ये कॉकरोच का डायग्राम है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया। तो ये जो ऊपर का पार्ट है, ये ऊपर हमको दिख रहा है, ये है डॉर्सल। जो इसके नीचे का पार्ट होगा, ऊपर का डॉर्सल जो नीचे का पार्ट होगा उसको हम कहते हैं वेंट्रल। ऊपर का डॉर्सल, नीचे का वेंट्रल। और इसकी जो साइड वाला पार्ट है, इसका जो साइड वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम कहेंगे लेटरल। तो इसके तीन पार्ट हो गए, एक डॉर्सल, एक वेंट्रल और एक लेटरल जो साइड में होंगे। इसके कुछ नाम है आप याद कर लीजिए, टर्गाइट, स्टर्नाइट, ये तो एनसीईआरटी का है, लेकिन एक और दिया है लेटरल प्लूराइट्स, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, मैंने OON लिखा है, आउट ऑफ एनसीईआरटी, ये आप याद कर लीजिएगा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो जो प्लेट्स होते हैं, मतलब जो स्क्लेराइट्स होते हैं,
वो जॉइंट होते हैं एक दूसरे के साथ आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, मतलब आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन जो होता है वो दो स्क्लेराइड्स को जॉइन करता है। ये जो आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन होता है ये थिन और फ्लेक्सिबल होता है और इसको आर्टिकुलर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो चलते हैं हम इसके मॉर्फोलॉजी में। तो अगर इसके मॉर्फोलॉजी को देखें तो जो बॉडी ऑफ कॉकरोच होता है वो सेगमेंटेड होता है, मतलब जो कॉकरोच के बॉडी होते हैं उसमें सेगमेंट्स होते हैं। आपने नोटिस भी किया होगा कि कुछ कुछ सेगमेंट्स होते हैं उनके बॉडी में। और ये जो सेगमेंटेड बॉडी होता है ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है, एक हेड, एक थोरेक्स, एक एब्डोमेन। मैं आपको डायग्राम में भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो है ये हेड पार्ट है, ये इतना जो है ये थोरेक्स पार्ट है, और ये नीचे वाला पार्ट ये एब्डोमेन पार्ट है। इसके बारे में डिटेल अभी हम पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी जो पार्ट है उसमें पढ़ेंगे। अभी एक आउट ऑफ एनसीईआरटी का एक मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ कि जो मेल का विंग्स होता है वो फीमेल के विंग्स से छोटा होता है। मतलब जो कॉकरोच में तो दो सेक्स होंगे, आपको पता होगा, एक मेल और एक फीमेल, तो जो मेल का विंग्स होता है वो फीमेल के विंग्स से छोटा होता है। ये एक फैक्ट है, आप याद कर लीजिएगा। ये डायग्राम को हम अच्छे से समझेंगे जब हम इसके आगे के पार्ट पढ़ लेंगे। तो देखते हैं, अभी जो हेड रीजन होता है कॉकरोच का उसके बारे में जानते हैं। तो देखते हैं, जो हेड रीजन होता है वो ट्रायंगुलर इन शेप होता है, कॉकरोच का ट्रायंगुलर इन शेप होता है हेड, और ये लाइस 90 डिग्री टू द बॉडी होता है। तो इसका मीनिंग क्या है, अगर कॉकरोच का बॉडी ऐसा है, फ्लैट है, तो उसका जो हेड होगा वो ऐसे जॉइंट होगा, मतलब इधर बॉडी होगा और हेड नीचे होगा, पूरा 90 डिग्री फॉर्म करेगा इन दोनों के बीच। तो लाइस 90 डिग्री टू द बॉडी, ठीक है। जो हेड होता है वो ग्रेट मोबिलिटी दिखाता है इन ऑल डायरेक्शंस ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक। तो हमारे बॉडी में जैसे होता है कि हमारे जो बॉडी है और जो हेड है उसके बीच में जो नेक होता है, तो कॉकरोच के बीच में भी एक नेक होता है जो हेल्प कराता है हेड को कि वो बहुत मोबाइल हो जाए और सारे डायरेक्शन में वो जा, मतलब वो घूम सके, उसका हेड राउंड राउंड घूम सके। तो अभी हम देखते हैं, जो हेड होता है, जो हेड कैप्सूल होता है वो कंपाउंड एस, मतलब वो बियर करते हैं कंपाउंड एस, एक पेयर, मतलब दो टू कंपाउंड एस होते हैं। हमारे पास जैसे दो आयस हैं उनके पास भी दो कंपाउंड एस होते हैं और एक ओसेलस होता है। यहाँ पे देखिए ओसेलस, ओसेलस का मतलब होता है सिंपल आई। कंपाउंड आई अलग है, सिंपल आई अलग है। जो कंपाउंड आई होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम एनाटॉमी पार्ट में आएंगे। जो हेड होता है वो सिक्स सेगमेंट्स के फ्यूजन से बना होता है। आपने देखा होगा कि जो कॉकरोच होते हैं उनके दो एंटीने होते हैं जो उनके सिर से निकले होते हैं। तो एंटीने अराइजेस फ्रॉम मेम्ब्रेनस सॉकेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एंटीनी है ये वाला है मेम्ब्रेनस सॉकेट। ये मेम्ब्रेनस सॉकेट से दो एंटीनी निकलते हैं और हमको जो दिखते हैं वो यही एंटीनी होते हैं। जो एंटीनी होते हैं उसके पास सेंसोरी रिसेप्टर्स होते हैं जो एनवायरनमेंट को मॉनिटर करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो मतलब ये कहीं भी जाते हैं तो इनके एंटीने होते हैं जो इनको मैसेज देते हैं कि यहाँ जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये मॉनिटर करते हैं एनवायरनमेंट को। और इनके पास बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं। जो माउथ पार्ट्स हैं उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो इनके पास जो होते हैं बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। तो अभी हम माउथ पार्ट्स की तरफ आ जाते हैं। माउथ पार्ट्स पांच तरह के होते हैं, एक लेब्रम, लेबियम, मैंडिबल, मैक्सिला, हाइपोफेरिंग्स। तो लेब्रम होता है अपर लिप, यहाँ पे देख लीजिए ये अपर लिप है। लेबियम होता है लोअर लिप, ये रहा लेबियम। मैंडिबल और मैक्सिला, आप मैंडिबल और मैक्सिला को ऐसे समझ सकते हैं, मैंडिबल को आप अपर जॉ बोल सकते हैं और मैक्सिला को लोअर जॉ, ऐसे आप बोल सकते हैं। एनसीईआरटी में तो नहीं दिया गया लेकिन ऐसे आप बोल सकते हैं। जो हाइपोफेरिंग्स है वो है टंग, हमारे जैसे टंग होता है उनका भी एक टंग होता है जिसको हाइपोफेरिंग्स कहते हैं। लेब्रम अपर लिप, लेबियम लोअर लिप। ये डायग्राम याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे। अभी हम नेक्स्ट जो हमारा मॉर्फोलॉजी का पार्ट है वो है थोरेक्स, वहाँ पे चलते हैं। जो थोरेक्स होता है, मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया था, ये वाला जो थोरेक्स पार्ट है बीच का, वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, एक प्रोथोरेक्स, एक मीजोथोरेक्स, एक मेटाथोरेक्स। जो ये तीन पार्ट, जो थोरेक्स के तीन पार्ट हैं प्रो, मीजो और मेटा, तीनों पार्ट में एक एक पेयर लेग होता है। तो इसमें दो लेग होंगे, इसमें दो लेग होंगे, इसमें दो लेग होंगे, लेकिन जो विंग होगा वो प्रोथोरेक्स में एब्सेंट होगा, उसमें विंग नहीं होगा। जो पहला पेयर ऑफ विंग होगा वो मीजोथोरेक्स में निकलेगा और जो दूसरा पेयर ऑफ विंग होगा वो मेटाथोरेक्स में निकलेगा।
और इस जो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग होता है जो मीजोथोरिक्स में निकलता है उसे फोर विंग कहते हैं, और जो सेकेंड पेयर ऑफ विंग होता है जो मेटाथोरिक्स में निकलता है उसे हिंड विंग कहते हैं। तो बायो के टर्म में हम फोर विंग को टैगमीना कहते हैं, ये या आप याद कर लीजिए, ये एनसीईआरटी में भी दिया गया है। आज हम जो भी पढ़ रहे हैं सब एनसीईआरटी का पढ़ रहे हैं, तो आप सब याद कर लीजिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोर विंग जानते हैं क्या होता है। फोर विंग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये ओपेक होते हैं, मतलब ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते, इसके आर पार आप नहीं देख सकते। ये डार्क होते हैं, कलर इसका डार्क होता है। ये लेदरी मटेरियल का बना होता है, और ये कवर्स द हिंड विंग व्हेन एट रेस्ट। जब कॉकरोच नहीं उड़ रहा होता है, रेस्ट में होता है, तो ये जो हिंड विंग होता है, ये देखिए ये जो हिंड विंग है इसको कवर करके रखता है। अभी हम हिंड विंग के बारे में जान लेते हैं। हिंड विंग जो है ट्रांसपेरेंट होता है, ये ओपेक होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, और जो हिंड विंग है वो मेम्ब्रेनस होता है, इसके अंदर मेम्ब्रेनस जाते हैं, और ये फ्लाइट में यूज करता है, फ्लाइट में हेल्प कराता है कॉकरोच को। मतलब हम जब भी कॉकरोच को देखते हैं फ्लाई करते हुए, तो हिंड विंग ही है जो कॉकरोच को हेल्प करता है उसको उड़ाने में। जो फोर विंग है वो कभी यूज़ नहीं कराता उड़ाने में, सिर्फ हिंड विंग यूज़ कराता है। अभी हम एब्डोमेन में आ जाते हैं, ये हमारा मॉर्फोलॉजी का लास्ट पार्ट है, इसके बाद हम एनाटॉमी में चलेंगे, ठीक है। अभी एब्डोमेन की तरफ आ जाते हैं। एब्डोमेन 10 सेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं, मतलब एब्डोमेन जो है वो 10 सेगमेंट्स होता है, मेल और फीमेल दोनों में 10 सेगमेंट्स होता है। जो फीमेल्स होते हैं उनका जो 7th, 8th और 9th स्टर्ना होता है, स्टर्ना मतलब स्टर्नम, मैंने आपको बताया था, मैं और एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए ये जो स्टर्नाइड लिखा है ये वहीं पे स्टर्ना लिखा है। तो देखिए फीमेल्स में, ओनली इन फीमेल्स, अच्छे से सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ओनली इन फीमेल्स जो स्टर्ना होते हैं 7th, 8th और 9th स्टर्ना, मतलब 7th, 8th और 9th स्टर्नल जो होते हैं वो मतलब 7th प्लस 8th प्लस 9th मिलके ब्रूड बनाते हैं, जिसको हम जेनेटल पाउस भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, ये हम जो रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे कॉकरोच का वहाँ पे जानेंगे। और जो 7th स्टर्ना होता है वो बोट शेप्ड का होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ। जो 7th स्टर्ना होता है वो बोट शेप्ड का होता है, इन ओनली फीमेल्स, ये आप याद कर लीजिए। और ये एनल सरसी और एनल स्टाइल क्या है नीचे देखते हैं। हाँ ये देखिए, ये एनसीईआरटी का एक पिक है, आपके लिए मैं लेके आया हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। अभी मैंने आपको जो जो बताया वही लिखा है, हाँ देख लीजिए। द एब्डोमेन इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट्स। इन फीमेल्स द 7th स्टर्नम इज बोट शेप्ड टुगेदर विद 8th एंड 9th स्टर्ना फॉर्म ब्रूड इन जेनेटल पाउच। मैंने आपको बताया कि 7th, 8th और 9th स्टर्ना मिलकर जेनेटल पाउच बनाते हैं, उसे हम ब्रूड भी कहते हैं। जो जेनेटल पाउच होता है उसमें फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेटिकल पोर, कोलेट्रल ग्लैंड्स, ये तीनों चीज प्रेजेंट होते हैं, जिनका नाम देख के डरिए मत, इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम एनाटोमी में आएंगे। जो मेल्स होते हैं उसमें जो जेनेटल पाउच होते हैं उनमें भी जेनेटल पाउच होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल में होते हैं, मेल में भी होते हैं। तो उनके पास जो जेनेटल पाउच होता है या फिर जो चैम्बर कह लीजिए, वो हिंड एंड ऑफ एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो एब्डोमेन का जो एंड होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं, बाउंडेड, वो बाउंड होते हैं, मतलब वो कवर होते हैं बाय 9th एंड 10th टर्गा। टर्गा क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, स्टर्ना मतलब स्टर्नाइट, और ये देखिए टर्गा मतलब टर्गाइट। जो 9th और 10th टर्गाइट होते हैं वो उसको कवर करते हैं, सॉरी थोड़ा आगे चले गए। हाँ देखिए जो 9th एंड 10th टर्गा होते हैं उससे वो बाउंडेड होता है, और डोर्सली जो डोर्सल होता है उसमें टर्गाइट होता है, मैंने आपको बताया था। और वेंट्रली, वेंट्रली मतलब जो नीचे वाला जिसको हम स्टर्नाइट कहते हैं, बाय द 9th स्टर्नम, 9th स्टर्नम में नीचे से और 9th और 10th में ऊपर से। तो ठीक है आगे देखते हैं। इट कंटेन्स डोर्सल एनस, वेंट्रल मेल गोनो, सॉरी वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर और गोनोपोफाइसिस। जैसे फीमेल में हमने पढ़ा था कि फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेटिकल पोर, कोलेट्रल ग्लैंड, ये भी यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं, डोर्सल एनस, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर और गोनोपोफाइसिस, ये भी हम पढ़ेंगे जब हम एनाटॉमी में रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं आपको दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूँ, ये वाला पार्ट जो मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ, ये जो सेंटेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल बियर ए पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल विच आर एबसेंट इन फीमेल्स।
एनल स्टाइल जो होते हैं, जिसको जो शॉर्ट होते हैं और थ्रेड लाइक होते हैं, वो सिर्फ मेल में प्रेजेंट होते हैं, फीमेल में एबसेंट होते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, जो एनल स्टाइल है वो ओनली इन मेल्स होते हैं। और इन बोथ सेक्सेस, मतलब मेल और फीमेल दोनों में, टेंथ जो टेंथ सेगमेंट होता है वो एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर को, फिलामेंटस स्ट्रक्चर मतलब जो टेंथ सेगमेंट में होता है उसमें एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम एनल सर्सी कहते हैं। इन बोथ सेक्सेस द टेंथ सेगमेंट बियर्स ए पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सर्सी। तो जो टेंथ सेगमेंट होता है उसमें एनल सर्सी प्रेजेंट होते हैं बोथ मेल और फीमेल में। यहाँ पे लिखा भी है मैंने, जो एनल सर्सी है वो बोथ मेल और फीमेल प्रेजेंट होते हैं। तो इतना में तो हो गया मॉर्फोलॉजी। अभी हम एनाटॉमी में जाएंगे और उनके बॉडी में क्या क्या होते हैं, मतलब क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये तो हमने बाहर का फीचर्स पढ़ लिया, अभी उनके अंदर के फीचर्स पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये डायग्राम में आपको अच्छे समझा देता हूँ। ये देखिए, थोड़ा साफ कर देते हैं ये। हाँ देखिए, हेड के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है, हेड के बारे में मैंने आपको बताया। ये टैगमिना, मतलब जो उड़ने में हेल्प नहीं कर रहा था, ये सिर्फ कवर करता है हमारे हिंड विंग को। ये हिंड विंग जो फ्लाइंग में काम कराता है कॉकरोच को। ये एब्डोमेन पार्ट मैंने आपको बताया, ये एनल सर्सी मैंने आपको बताया। ये देखिए जो लेग है, ये तीन ठो लेग है, ये सिर्फ प्रेजेंट है हमारे थोरेक्स में। ये जो हमारा थोरेक्स पार्ट है इसमें लेग प्रेजेंट है, हेड में या फिर एब्डोमेन लेग प्रेजेंट नहीं है, मैंने आपको बता दिया था। ये देखिए प्रोथोरेसिक लेग, मेसोथोरेसिक लेग, मेटाथोरेसिक लेग। मैंने आपको यही बताया था कि जो तीन ठो, ये देखिए मैंने आपको बताया था, हाँ जो लेग होते हैं वो तीनों थोरेक्स में दो दो होते हैं। तो ये यहीं पे मतलब ये यही दिखाया गया है कि तीनों में लेग होते हैं। और ये देखिए मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स मैंने आपको बता दिया है, एंटीनी होता है, कंपाउंड एस होता है। तो ठीक है, आपने ये समझ लिया। अभी हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि एनाटॉमी क्या होता है। तो अभी हम एनाटॉमी स्टार्ट करते हैं, एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच। तो इसमें हम देखेंगे बहुत सारे सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, और फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, और नर्वस सिस्टम जो, और एक तो बच्चा रिप्रोडक्शन। तो ये जो छः तो हमने सिस्टम पढ़ा वो अभी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एलिमेंट्री कैनल आता है, सेम है हमारे जैसे। और जो एलिमेंट्री कैनल है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है, एक फोरगट, एक मिडगट, और एक हिंडगट। तो जानते हैं क्या क्या होता है। जो पहले सबसे स्टार्टिंग में जो कॉकरोच फूड खाता है तो माउथ से होते हुए फेरिंग्स में आता है, जो कि शॉर्ट और ट्यूबुलर होता है। फिर ऑसोफेगस में आता है, जो कि नैरो ट्यूबुलर पैसेज होता है। फिर ऑसोफेगस से क्रॉप में आता है, क्रॉप जो होता है वो फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। और उसके बाद गिजर्ड में आता है फूड। गिजर्ड एक ऑर्गन है जिसको प्रोवेंट्रिकुलस कहते हैं, और ये हेल्प करता है ग्राइंडिंग फूड पार्टिकल्स। जो भी फूड पार्टिकल्स अपने बॉडी के अंदर लेता है उसको ग्राइंड करने में हेल्प करता है गिजर्ड या फिर प्रोवेंट्रिकुलस। गिजर्ड के बारे में और कुछ जान लेते हैं। जो गिजर्ड होता है उसका जो आउटर लेयर होता है वो थिक सर्कुलर मसल से बना रहता है, और उसके अंदर थिक इनर क्यूटिकल होते हैं, जो कि थिक हाईली काइटिनस प्लेट बनाते हैं, जिसे हम टीथ कहते हैं। और फिर हम देखते हैं मिडगट के बारे में। जो गिजर्ड है, मतलब जो फोरगट है और मिडगट है, उनके जो जंक्शन में एक सर्कुलर रिंग टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम हेपाटिक सीका कहते हैं, जो कि होते हैं 6 to 8। ये हेपाटिक सीका का काम क्या है, ये डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं ताकि जो फूड उसने खाया था वो डाइजेस्ट हो सके। और फिर देखते हैं मिडगट और हिंडगट के जो जंक्शन में एक और सर्कुलर रिंग होता है, जिसे हम मैल्पिजियन ट्यूब्यूल कहते हैं। मैल्पिजियन ट्यूब्यूल का काम हम एक्सक्रीशन में जानेंगे। ये होते हैं 100 to 150, और ये येलो कलर के होते हैं। तो जो हिंडगट होता है उसके तीन पार्ट हैं, एक इलियम, एक कॉलन, और एक रेक्टम। तो ये जो इलियम, कॉलन, रेक्टम है, ये हमारे खुद के बॉडी में भी होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो जो रेक्टम होता है वो ओपन से इनटू एनस, ये एनस में ओपन होता है, जिससे कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बाहर जाते हैं। तो हमने इतना जान लिया
और एक और चीज़ है कि जो हिंडगट होता है वो मिडगट से ब्रॉडर होता है, तो हिंडगट मोटा होता है मिडगट से। तो पूरे जो एनसीईआरटी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम दिया गया था, इतना दिया गया था, मैंने आपको सब बता दिया। इसके जो डायग्राम है ये आप थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। ये बहुत बार सिर्फ डायग्राम दे देता है और पूछ देता है कि कौन सा कहाँ पे है, तो मैंने आपको सब तो बता दिया, लेकिन ये जो सेलिवरी ग्लैंड है और सेलिवरी रिजर्वर है इसके क्वेश्चंस कभी नहीं आते, लेकिन जो डायग्राम क्वेश्चंस हैं उसके अंदर ये डाल देता है कि ये कहाँ पे होते हैं, लोकेट करो। तो ये दोनों आप देख लीजिएगा। बाकी मैंने आपको बताया कि जो फूड होता है वो माउथ से फेरिंग्स में जाता है, फिर फेरिंग्स से होते हैं ओसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ड, फिर आता है पटिक्सिका, ये होता है फोरगट, ये मिडगट, ये हिंडगट। उनके फोरगट और मिडगट के जंक्शन में होता है हेपेटिक्सिका, और मिडगट और हिंडगट के जंक्शन में होता है मेलपिजन ट्यूब्यूल, और मिडगट को मिसेंट्रॉन भी कहते हैं। मैंने यहाँ पे भी लिखा था, ये देखिए मिडगट को मिसेंट्रॉन भी कहते हैं। तो इतना हमने जान लिया था। फिर जो हिंडगट होता है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है, इलियम, एक कॉलन, एक रेक्टम, और जो रेक्टम होता है ये जो देख रहे हैं ये एनस में खुलता है। तो हो गया हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये ख़त्म होता है। अभी हम चलते हैं अपने ब्लड वास्कुलर सिस्टम में। जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम है वो ओपन टाइप है। ओपन टाइप मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी में जैसे अगर हमारा जो हार्ट अगर पंप कर रहा है ब्लड, तो एक प्रॉपर एक ट्यूब से ब्लड जाता है, वेन्स और आर्टरी जिसे कहते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसे वेन्स आर्टरी या फिर कोई ट्यूब प्रेजेंट नहीं होता। इसके अंदर अगर हार्ट अगर पंप कर रहा है ब्लड तो पूरे पूरे उसके जो बॉडी है उससे फैल जाता है। ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड, मतलब अच्छे से डेवलप नहीं होते। ब्लड वेसल्स ओपन इनटू हीमोसील। हीमोसील क्या होता है, मतलब उसका अगर ये बॉडी है तो उसके अंदर जो भी कैविटी होगा उसके हम उसको हम हीमोसील कहेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे और एक और चीज़ होता है, जो भी इसके ऑर्गन्स होते हैं, जो भी उसके बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो बात करते हैं, वो बात करते हैं ब्लड में, और ब्लड को यहाँ पे हीमोलिम कहा गया है। हीमोलिम जिसको ब्लड कहा गया, ये कलरलेस प्लाज्मा प्लस हीमोसाइट्स को मिलके ब्लड बना होता है। तो ठीक है, हमने इतना जान लिया। अभी हम हार्ट के बारे में जानते हैं। जो हार्ट होता है, हार्ट जो होता है उसका जो पोजिशन जो है वो मिड डोर्सल, मतलब हमने डोर्सल पढ़ा था अपर पार्ट, उसके मिड में होता है, और ये मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरेक्स एंड एब्डोमेन। जो थोरेक्स एंड एब्डोमेन होता है, मतलब जो बीच और लास्ट का पार्ट होता है उसके मिड डोर्सल में, मतलब डोर्सल के मिड में वो प्रेजेंट होता है। इसका डायग्राम भी है, देख लीजिए। ये अगर कॉकरोच का पूरा बॉडी है तो इसका हार्ट है, मतलब मिड में है, और ये देखिए ये थोरेक्स, और ये थोरेक्स है और ये एब्डोमेन, ये दोनों के मतलब ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ये चैम्बर्स ऑफ हार्ट है, मतलब कितने चैम्बर अगर आप पूछेंगे तो 13 चैम्बर्स ऑफ हार्ट होते हैं, 13 चैम्बर्स ऑफ हार्ट। ठीक है, तो हमने जान लिया। और ये हार्ट जो होता है एलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब होता है, और ये मैंने आपको बताया डिफ्रेंशिएटेड इनटू इनटू 13 चैम्बर्स, जिसे हम ऑस्टिया कहते हैं। मतलब जो भी ब्लड हार्ट के अंदर जाता है वो ऑस्टिया के थ्रू जाता है, और ऑस्टिया के थ्रू ही वापस चले जाता है। और वो कहाँ जाता है, मतलब एनसीईआरटी में दिया गया है कि जब भी यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ब्लड फ्रॉम साइनसेस एंटर हार्ट थ्रू ऑस्टिया एंड इज पम्प्ड एंटीरियरली टू साइनसेस अगेन। मतलब कोई भी अगर जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में जाता है वो वापस ऑस्टिया के कारण बाहर आता है और साइनसेस में फिर जाता है। साइनसेस क्या होता है कि जो भी पार्ट जिसमें बाकी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उन्हें साइनसेस कहते हैं। इसके तीन पार्ट होते हैं, पेरिकार्डियल, पेरिविसरल और पेरिन्यूरल। ये आपको इतना ज़रूरी नहीं है पढ़ना, ये थोड़ा बाहर का टॉपिक हो जाता है। आप इतना याद करिए कि जो ब्लड फ्रॉम साइनसेस एंटर हार्ट थ्रू ऑस्टिया एंड पम्प्ड आउट टू साइनसेस अगेन। तो ठीक है, हमने जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम है वो पढ़ लिया। अभी हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जो कि है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो हमारा कॉकरोच होता है उसमें ट्रेकियल सिस्टम होता है। उसमें जो जो भी हम वो मतलब कॉकरोच जो सांस लेता है वो ट्रेकिया के थ्रू लेता है, और उसका जो ओपनिंग होता है, उसका जो ओपनिंग होता है उसे स्पिरेकल्स का नाम दिया गया है, जो कि 10 पेयर्स होते हैं।
दो पेयर थोरेक्स में होता है और 8 पेयर एब्डोमेन में होता है। ये एनसीईआरटी मैंने दिया है, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, मैंने पहले मेंशन कर दिया। आपको सिर्फ 10 पेयर याद रखना है, चाहें तो ये याद कर लीजिएगा। एयर अंदर जाता है ट्रेकिया के थ्रू और आगे जाते हुए ट्रेक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है और इस ट्रेक्यूल से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं हमारे बॉडी में। इसे एल्वियोली होता है जिससे गैसेस एक्सचेंज होते हैं। इन कॉकरोच के बॉडी में ट्रेक्यूल्स होते हैं जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। एक और टर्म है जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, जो कि है स्प्रिंटर, लिख दे रहा हूँ मैं, SPHINCTERS। स्प्रिंटर्स एक वर्ड है, मतलब ये कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल या फिर ये रेगुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्पिरेकल्स। मतलब जो स्पिरेकल्स है उसके ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन कंट्रोल या फिर रेगुलेट करेगा? स्प्रिंटर। तो ठीक है, हमने इतना जान लिया, अभी हम नेक्स्ट चलते हैं जो कि है एक्सिटोरी सिस्टम। ये थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, एनसीईआरटी में दिया गया कि जो एक्सिशन होता है कॉकरोच में वो मालपिजन ट्यूबुल करता है। हमने इसके बारे में पहले पढ़ लिए हैं। तो जो मालपिजन ट्यूबुल होता है वो लाइंड होता है ग्लैंडुलर और सीलेटेड सेल्स के, मतलब ये लाइंड होता है ग्लैंडुलर और सीलेटेड सेल्स से। ये दोनों क्या होते हैं ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, मतलब ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अभी हम देखते हैं कि जो कॉकरोच होता है वो यूरिक एसिड एक्सीट करता है, मतलब इसके अंदर जो भी नाइट्रोजेनियस वेस्ट होते हैं ये उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है और उसको एक्सीट करता है। इसीलिए कॉकरोच एक यूरिकोटेलिक एनिमल हुआ। इसके बारे में ऑल डिटेल हम लोग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है, वहाँ पे पढ़ेंगे। और जो यूरिक एसिड जो एक्सक्रीट करता है वो हिंडगट से एक्सक्रीट करता है। मैंने आपको बताया था हिंडगट में रेक्टम होता है, उससे एक्सक्रीट होता है। अभी और तीन जो, मतलब यहाँ पे एनसीईआरटी में और तीन ऑर्गन्स दिए गए हैं जिससे एक्सक्रीशन पॉसिबल है, एक फैट बॉडीज, एक नेफ्रोसाइट्स, एक यूरिकोस ग्लैंड। ये तीनों आप याद कर लीजिएगा। अभी हम नेक्स्ट सिस्टम में चलते हैं जो कि है नर्वस सिस्टम। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जो नर्वस सिस्टम होता है वो कंसिस्ट ऑफ फ्यूज्ड गैंग्लिया। ये फ्यूज्ड गैंग्लिया से कंसिस्ट करता है और ये गैंग्लिया तीन टो होते हैं थोरेक्स में और 6 टो होते हैं एब्डोमेन में, तो टोटल हुए 9, 3 थोरेक्स 6 एब्डोमेन। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा फैक्ट दिया गया एनसीईआरटी में कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो हेड में बहुत कम होता है लेकिन पूरे बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है। मतलब लिटिल नर्वस सिस्टम होता है हेड में और मेनली होता है वेंट्रल बॉडी में। यही कारण है कि अगर आप कॉकरोच के हेड, मतलब उसका जो हेड होता है तो उसको आप काट दो तो 1 हफ्ते तक वो कॉकरोच का बॉडी जिंदा रहेगा, क्योंकि उसका मेनली जो उसका जो नर्वस सिस्टम है वो वेंट्रल बॉडी में है, हेड में नहीं है। तो एक फैक्ट है जो एनसीईआरटी में भी दिया गया और क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, तो ये आप थोड़ा याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अभी हम ब्रेन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ब्रेन को कहा जाता है सुप्रा ओसोफेजियल गैंग्लियन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सप्लाई नर्व्स टू एंटीनी एंड कंपाउंड एस, क्योंकि ये जो नर्व्स होते हैं उसको सप्लाई करते हैं एंटीनी, हमने पहले पढ़ा था, जो एंटीनी ऊपर लगा होता है, और कंपाउंड एस जो हमने पहले पढ़ा था उसके मॉर्फोलॉजी में, उसको नर्व्स प्रोवाइड करते हैं। जो कॉकरोच होते हैं उसके अंदर बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि एंटीना, आईस, एनएलसरसी, मैक्सिलरी पल्प्स और लेबियल पल्प्स, ये आप याद कर लीजिएगा। अभी हम कंपाउंड आइस के तरफ चलते हैं। जो कंपाउंड आइस होता है उसके अंदर 2000 हेक्सागोनल ओमाटिडिया प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम आय कहते हैं एक तरह से। ये जो हेक्सागोनल ओमाटिडिया होते हैं ये रिसीव सेवरल इमेजेस, ये बहुत सारे इमेजेस को अचानक रिसीव करते हैं, जिसे मोजाइक विजन कहते हैं, मोजाइक विजन। और ये जो मोजाइक विजन का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि इसमें सेंसिटिविटी ज़्यादा होता है और रिजोल्यूशन कम होता है। इससे बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि सेंसिटिविटी ज़्यादा होता है कम होता है, रिजोल्यूशन ज़्यादा होता है कम होता है। इसको मैं एक आसान सा ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ कि जब हम, मेरा एक दोस्त था 10th क्लास में, वो गेम्स बहुत खेलता था, तो मैंने ये सीखा उससे कि जब हम कोई भी गेम खेलते हैं तो उसका जो क्वालिटी है थोड़ा कम रखते हैं ताकि स्मूथ चले, तो इसीलिए लेस रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन मतलब क्वालिटी, तो उसका जो विज़न होता है उसको थोड़ा सा क्वालिटी कम दिखता है लेकिन बहुत ये होता है, मतलब बहुत ही स्मूथ दिखता है उसको। तो लेस रिजोल्यूशन बट मोर सेंसिटिविटी, लेस रिजोल्यूशन बट मोर सेंसिटिविटी, और यही कारण है, मोर सेंसिटिविटी और लेस रिजोल्यूशन यही कारण है
उसके नक्चरनल होने का, ये मैंने आपको पहले बता रखा है। नक्चरनल मतलब एक्टिव एट नाइट। तो ठीक है, अभी हमने इतना जान लिया, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और अच्छे से जानेंगे कि क्या क्या होता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अभी हम हमारे लास्ट टॉपिक में आ चुके हैं जो कि है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम देखते हैं क्या क्या होता है। तो जो कॉकरोच होते हैं वो डायोसियस होते हैं। डायोसियस मतलब उसके दोनों जो सेक्सेस हैं मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते। तो पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो देखते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं इन पांच चीज़ों से, टेस्टिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, एजेकुलेटरी ट्रैक्ट और मेल गोनोफोर। क्या क्या होता है देखते हैं। तो जो टेस्टिस होते हैं वो एक पेयर के होते हैं, मतलब दो ठो होते हैं, एक पेयर में होते हैं दो ठो, और ये लेटरल साइड इन फोर्थ टू सिक्स एब्डोमिनल लेयर में होते हैं। तो ये लेटरल साइड में होते हैं, मतलब दोनों साइड के जगह पे होते हैं, फोर्थ टू सिक्स एब्डोमिनल लेयर में। तो टेस्टिस के बाद फिर आता है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस एक डक्ट होता है जिसमें जो स्पर्म्स होते हैं जो निकलते हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, जो टेस्टिस से निकलता है वो उसमें, तो वास डिफरेंस से होते हुए वो जाता है सेमिनल वेसिकल में। जो सेमिनल वेसिकल में हो जाता है, आप देखिए यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, जो स्पर्म सेमिनल वेसिकल में जाता है वो वहाँ पे स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद वहाँ पे ग्लूड होता है, मतलब चिपक जाता है सब स्पर्म, और बंडल के फॉर्म में आ जाता है जिसे हम स्पर्मेटोफोर कहते हैं। और यही जो स्पर्मेटोफोर है वो डिस्चार्ज होता है कॉपुलेशन के टाइम। जब कॉपुलेशन होता है तब जो स्पर्मेटोफोर होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है उसके अंदर वो डिस्चार्ज होते हैं। तो फिर इसके आगे जानते हैं, जब सेमिनल वेसिकल में स्पर्म्स जाते हैं फिर उसके बाद इजेकुलेटरी ट्रैक्ट के पास जो स्पर्म्स आ जाते हैं, और उसके बाद आ जाते हैं मेल गोनोपोर के पास। मतलब जो कॉपुलेशन के टाइम वो स्पर्म्स मेल गोनोपोर पे आ चुका होता है। तो देखते हैं एक और ग्लैंड होता है मशरूम ग्लैंड जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। ये देखते हैं ये सिक्स टू सेवन्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में होता है। ये आप याद कि कौन कौन से सेगमेंट में होता है ये आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत पूछता है और इसमें कंफ्यूजिंग भी बहुत होता है। जो टेस्टिस होता है फोर टू सिक्स एब्डोमिनल लेयर, और जो मशरूम ग्लैंड होता है वो सिक्स टू सेवन एब्डोमिनल सेगमेंट। तो ये इसका काम क्या होता है, ये एसेसोरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की तरह हेल्प करता है। तो अभी देखते हैं मेल गोनापोफाइसिस या फिर फेलोमियर जिसे कहते हैं वो क्या होता है। जो मेल गोनापोफाइसिस या फिर फेलोमियर वो एक काइटेनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो मेल गोनोपोर को सराउंड करता है। और ये मेल गोनोपोर जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रल टू एनस। हमने एनस के बारे में पढ़ा था जो रेक्टम के नीचे होता है, तो उसके मतलब उसके पीछे की तरफ होता है। मतलब यहाँ पे अगर एनस हुआ तो उसके पीछे की तरफ वेंट्रल साइड में हमारा मेल गोनोपोर प्रेजेंट होता है। अभी हम मेल गोनोपोफाइसिस के बारे में हमने बात किया था कि ये काइटेनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं और ये मेल गोनोपोर को सराउंड करते हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया को। तो इसका एक डायग्राम एनसीईआरटी में दिया गया है, ये हम देख लेते हैं। ये जो फैलिक ग्लैंड है मैंने आपको नहीं बताया, इसको मैंने यहाँ पे लिखा गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये जो आउटर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर होता है, स्पर्मेटोफोर मतलब जो ग्लूड हो जाता है स्पर्म्स उसको स्पर्मेटोफोर कहते हैं। उसका जो आउटर लेयर होता है उसको फैलिक ग्लैंड कहते हैं। ये स्मॉल ट्यूबल्स और लॉन्ग ट्यूबल्स होते हैं ये भी लेयर बनाते हैं, एक हमारे स्पर्मेटोफोर के लेयर बनाते हैं, लेकिन जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है वो फैलिक ग्लैंड का होता है। तो हमने सेमिनल वेसिकल के बारे में बात कर लिया, वास हमने वास डिफरेंस के बारे में बात कर लिया, इजेकुलेटरी डक्ट के बारे में बात कर दिया। अभी हमने फेलोमियर के बारे में बात किया था कि ये देखिए फेलोमियर, ये वाला हमने बात किया था। तो उसके दो टाइप्स होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट, ये दोनों अलग अलग तरफ होते हैं। एनल सरसी और ये जो कॉडल स्टाइल है, एनल स्टाइल को कॉडल स्टाइल भी कहते हैं। एनल सरसी जो बताया था मैंने कि फीमेल और मेल दोनों में होते हैं। तो ठीक है, मैं ये डायग्राम आप याद कर लीजिएगा कौन कहाँ पे है, ये बहुत बार पूछ लेता है कभी कभी।
अभी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बारे में जानते हैं। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर ओवरी होते हैं, दो ओवरी होते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं? लेटरली होते हैं, सेकेंड और सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट्स में लेटरली ओवरी प्रेजेंट होते हैं। ओवरी के अंदर 8 ओवरियल्स होते हैं जिसे हम ओवरियन ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं, जिसके अंदर ओवा या फिर एग प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो एग होगा, मैं आपको दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूँ, अगर ये एग है तो एग ओविडक्ट से होते हुए यहाँ पे आएगा, कॉमन ओविडक्ट, कॉमन ओविडक्ट में आता है जिसे हम वेजाइना भी कहते हैं। और ये जो कॉमन ओविडक्ट में आते ही इसके नेक्स्ट पार्ट में है जेनेटल चैम्बर। तो मैंने आपको जब पढ़ाया था मॉर्फोलॉजी वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक जेनेटल चैम्बर होता है जिसके अंदर तीन तो चीज़ें होते थे, उसका मैंने आपको बताया था, देख लीजिए आप एक बार। ये देखिए, एक फीमेल गोनोपोर, एक स्पर्मेटिकल पोर, एक कोलेट्रल ग्लैंड्स। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी वही बताया गया है। तो जो जेनेटल चैम्बर है उसके ऊपर एक पेयर में होता है एक स्पर्मेथिका, जो सिक्स सेगमेंट में होता है। स्पर्मेथिका क्या काम है यहाँ पे लिखा गया, स्पर्म ट्रांसफर थ्रू स्पर्मेटोफोर, जो स्पर्मेटोफोर से स्पर्म आता है वो यहाँ पे कलेक्ट होता है, जो स्पर्मेथिका है वहाँ पे ये कलेक्ट होता है। और फर्टिलाइजेशन ऑकर्स होता है, और फिर जो फर्टिलाइज टैग होता है वो एक कैप्सूल में एंक्लोज होता है, एक कैप्सूल में एंक्लोज होता है जिसको ऊथिका कहते हैं, अगर आपको दिख नहीं रहा तो ऊथिका कहते हैं। और ये जो ऊथिका होता है ये डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कलर के रेंज में आता है, और इसका जो साइज होता है वो 8 mm लॉन्ग होता है। तो अभी हम देखते हैं कि एक एवरेज फीमेल कॉकरोच 9 to 10 ऊथिका प्रोड्यूस करते हैं, और एक ऊथिका में लगभग 14 to 16 एग्स प्रेजेंट होते हैं। तो लगभग आप इंटू कर लीजिएगा कि 9 to 10 ऊथिका में कितने एग्स हुए। और ये जो ऊथिका है मतलब जिसमें फर्टिलाइज्ड एग होता है ये ग्लूट हो जाता है एक सूटेबल सरफेस में, ताकि जो फर्टिलाइज्ड एग है वो अच्छे से हम डेवलप हो पाए, उसको कोई नुकसान ना हो। तो ठीक है, हमने इतना जान लिया, इसमें इतना ही है और कुछ तो है नहीं। यहाँ पे भी एक गोनाफोफाइसिस होता है। अभी हम एक और चीज़ के बारे में जानते हैं कि जो हमारा कॉकरोच है उसका जो डेवलपमेंट होता है वो पेरोमेटाबोलस होता है। पेरोमेटाबोलस मतलब क्या होता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो निम्फा स्टेज से होता है। निम्फा स्टेज मतलब जो निम्फ, उसका जो छोटा बच्चा कह लेते हैं या फिर जो यंग स्टेज उससे होता है, उसको हम कहते हैं पेरोमेटाबोलस। जो नीम्फ होता है, नीम्फ एग्जैक्टली लुक्स लाइक एडल्ट, नीम्फ जो होता है वो एडल्ट्स के बहुत सिमिलर होते हैं। और नीम्फ को एडल्ट बनने के लिए 13 बार मोल्टिंग करना पड़ता है। मोल्टिंग क्या होता है ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मोल्टिंग मतलब लूजिंग काइटेनियस एग्जोस्केलेटन। मैंने आपको बताया था कि कॉकरोच के ऊपर एक काइटेनियस एग्जोस्केलेटन होता है, तो 13 बार उसका जो एग्जोस्केलेटन निकाल के उसको एक एडल्ट में बनना पड़ता है। और जो नीम्फ होता है उसके पास विंग पैड्स होते हैं, विंग्स नहीं होता। जो विंग्स होता है उस हमेशा जो एडल्ट होते हैं उनसे पहले निकलते हैं, कभी नीम्फ से नहीं निकलता। तो ठीक है, इतना ही था चैप्टर, तो आज यहीं ख़त्म करते हैं। आज कॉकरोच हमने ख़त्म कर दिया, नेक्स्ट क्लास हम एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे जियोलॉजी में, और आपका मूल कंसेप्ट तो चल रहा है। तो ठीक है, आज यहीं वाइंड अप करते हैं। बाय बाय बाय।